अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल स्टिचिंग स्टाइल्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके साथ तकरीबन 2 साल की बच्ची के विंटर ड्रेसेस डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपके साथ विंटर कॉटन और वेलवेट डिफरेंट फैब्रिक्स के जो है वो ड्रेस डिज़ाइन जो है वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला डिज़ाइन जो है वो आपके सामने है, ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर है जिस पर जो कि वेलवेट स्टफ में है। इस फ्रॉक को मैंने सिंपली कट कर लिया था, एयरलाइन शेप में मैंने जो है वो इसका घेर जो है वो एयरलाइन शेप में कट कर लिया था फ्रंट और बैक से। ऊपर से जो है वो मैंने सिंपल पेटी को की कटिंग कर ली थी। पेटी की कटिंग करने के बाद मैंने इस तरह से सिंपल गोल गला बनाया है। गला बनाने के बाद शोल्डर कटिंग के साथ मैंने सिंपल से ये स्लीव्स जो है वो बनाकर इसके साथ अटैच किए हैं। उसके बाद जो है वो मैंने एयरलाइन शेप में जो है घेर की कटिंग की थी, उसको मैंने फ्रंट और बैक से अटैच कर लिया था। और बैक वाली पेटी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से गोल शेप में छोटा सा गला बनाकर सेंटर में कट लगाकर ज़िप को अटैच कर दिया था। फ्रॉक को बिल्कुल रेडी करने के बाद मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये लेस को अटैच किया है। लेस जो है वो गोल्डन कलर में मैंने यूज़ की है ताकि इस पर प्रोमिनेंट हो सके। लेस के ऊपर ये गोल्डन कलर की स्तारी जो है वो अटैच की हुई है और इस तरह से इसके ऊपर ये स्टोन्स भी लगे हैं। ऊपर मैंने इन स्टोन्स को जो है वो इस तरह से पेटी के ऊपर यूज़ किया है। ये स्टोन्स जो हैं वो ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। इसको आप इस तरह से UHU की मदद से या सुई और धागे की मदद से भी इसको इस तरह से पेटी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरा दूसरा डिज़ाइन है, ये भी बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है। इसका जो बेस है इसकी वो ब्लैक कलर में है, जो कि आपको नीचे से नज़र आ रही होगी। और ब्लैक बेस के ऊपर ये मैरून कलर की वेलवेट का जो है वो खूबसूरत सा प्रिंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको भी मैंने सिंपली फ्रॉक को जो है वो स्टिच किया है, जो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में लग रही है। इसका फैब्रिक ही बहुत अच्छा था। इसकी पेटी को मैंने सिंपली कट कर लिया था, सेंटर से इस तरह से कट लगाकर मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड कर दिया था। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से फ्रंट से ओपन हो गया था। उसके बाद मैंने इस पर फ्रंट और बैक की पेटी जो है वो उसको दोनों साइड से अटैच करके इस तरह से ये कॉलर वाला गला जो है वो बनाया है। इस तरह से आप इसकी मेजरमेंट करके कॉलर जो है बनाकर इस तरह इसको साथ अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स को सिंपली मैंने अंदर को फोल्ड कर लिया है। आप नीचे से किसी भी ब्लैक या साथ कंट्रास्ट करके कोई भी हाईनेक पहनाकर विंटर सीज़न में तो आप विदाउट स्लीव्स भी हाईनेक के साथ ईजीली ये ड्रेसेज जो है वो वेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसको विदाउट स्लीव्स ही रेडी किया है। घेर को मैंने चुनट डालकर इस तरह से पेटी के फ्रंट और बैक पर दोनों साइड से अटैच कर दिया है और ब्लैक कलर की जो बेस थी उसके साथ मैचिंग करके ये बटन्स जो हैं वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। उसके बाद ये मेरा तीसरा डिज़ाइन है, ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट है। इस पर वाइट और रेड कलर का ये कंट्रास्ट है। कॉटन फैब्रिक है ये, विंटर कॉटन फैब्रिक। इस पर ये मैंने फ्रॉक रेडी किया है। इसको भी सिंपली जो है वो पेटी को कट कर लिया था, गोल गला कट करके मैंने जो घेर है उसके कंट्रास्ट के साथ उसका फैब्रिक लेकर इस तरह से मैंने ये फ्रिल बनाकर गले के फ्रंट और बैक पर इस तरह से अटैच कर दी थी। और बैक के बिल्कुल सेंटर पर इस तरह से मैंने वाइट कलर की ज़िप को अटैच कर दिया था। उसके बाद शोल्डर्स की सिंपली कटिंग करेंगे और ये जो घेर का फैब्रिक है उसी की मैंने पट्टी जो है वो स्लीव्स के बिल्कुल लास्ट पर इस तरह से अटैच कर दी थी और स्लीव्स रेडी करके मैंने पेटी के साथ अटैच कर दिए थे। गले के बिल्कुल सेंटर मैंने इस तरह से वाइट कलर के ये फ्लावर्स लेस मिलती है, वो आप इसको इस तरह से फ्लावर्स को कट करके इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैंने इनको अटैच किया और ऊपर ये रेड कलर के क्रिस्टल मोती जो हैं वो तीन तीन मैंने इस पर अटैच कर दिए हैं ताकि फ्लावर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हों। उसके बाद घेर को मैंने चुनर डालकर दोनों साइड से फ्रंट और बैक जो है वो पेटी के साथ अटैच कर लिया था और ये फ्रिल जो है घेर वाले फैब्रिक की फ्रिल जो है वो बनाकर जिस तरह से मैंने गले पर अटैच की है इसी तरह से मैंने पेटी के फ्रंट पर भी बिल्कुल सेंटर में घेर और पेटी के सेंटर में इस तरह से अटैच कर दिया था।
नीचे से मैंने इसको सिंपली फोल्ड करके नीचे ये पेटी के साथ वाइट कलर की लेस का कंट्रास्ट करके इस तरह से नीचे फ्रंट और बैक पर अटैच कर दिया था। व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के डिज़ाइंस। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।